कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का दिन आ गया, लेकिन उसकी समस्याएं जस की तस खड़ी हुई हैं। अध्यक्ष पद की रेस में कितने उम्मीदवार होंगे न तो ये अभी साफ है, और अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर क्या सभी कांग्रेस नेता राजी हैं, इस पर भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा अभी भी खासा नाराज है और इन चुनावों को उसके तरीकों को लेकर खुश नहीं है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर से एक रात पहले कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के G23 ग्रुप ने आनंद शर्मा के घर मीटिंग की। मजे की बात यह है कि यहां मीटिंग करने के बाद ये नेता अशोक गहलोत से मिलने जोधपुर हाउस भी पहुंचे। तो क्या अशोक गहलोत भी G23 में आ सकते हैं? हालांकि उनके साथ जो कुछ पिछले दिनों हुआ उससे वो आहत तो महसूस कर ही रहे होंगे, भले ही बगावत की शुरुआत उन्होंने ही की थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं नामांकन से ठीक पहले इस तरह की मीटिंग होना जरूर किसी तरह की खिचड़ी पकने के संकेत हैं, और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि देर रात कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन से एन पहले इन नेताओं की मुलाकात ने तमाम सियासी अटकलों को जन्म दिया है। अनुमान लगाया जा सकता है कि G23 से भी कोई नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकता है। गौरतलब है कि दिन में G23 के ही एक नेता मुकुल वासनिक का नाम भी इस पद के लिए उछल चुका है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा के घर जिन नेताओं की मीटिंग हुई उनमें मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, BS हुडा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। मीटिंग के बाद यह सभी नेता जोधपुर हाउस पहुंचे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठहरे हुए हैं। आनंद शर्मा के घर से बाहर निकलते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि अभी किसी ने भी नामांकन नहीं किया है, जब एक बार नामांकन हो जाएगा तो चिंतन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया चल रही है। BS हुडा, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और मैंने बैठकर चीजों पर चर्चा की है। तिवारी ने आगे कहा कि देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन जब लोकतांत्रिक तरीके से सब प्रक्रिया चल रही है तो फिर अलग से ये बैठक करने की क्या जरूरत थी। मतलब साफ है कि कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। वहीं जब मनीष तिवारी से पूछा गया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों का G23 गुट समर्थन करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि दिन तो नामांकन प्रक्रिया में गुजर जाएगा, उसके आधार पर कोई फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत के हटने के बाद शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुख रूप से शामिल है, लेकिन अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रेस जारी है और लगातार नए नए नाम उभर रहे हैं। पर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उलझी गुत्थी सुलझाने के लिए भले ही कांग्रेस के नेता जोर लगा रहे हों, पर यह अभी भी सबकी राय से सुलझती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।